हर हर महादेव। दोस्तों, इस चराचर जगत में, इस सृष्टि को आपको कष्टों से बचाने वाले, नौ ग्रहों को संतुलित करने वाले, नौ ग्रह जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाले, आपके चंद्रमा को बलि करने वाले देवाधिदेव महादेव की आराधना अगर सावन के महीने से शुरू की जाए, यूँ तो आप महादेव की आराधना कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। महादेव ऐसे सरल देव हैं जो आपकी केवल हर हर महादेव कहने मात्र से आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो ग्रहजन्य हों यानी कि ग्रहों की पीड़ा हो, आपकी कुंडली की पीड़ा हो, या आपकी कुंडली में दृढ़ता योग लगा है, या आपकी कुंडली में किसी भी तरह का मारक दोष लगा हुआ है, आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है, आपकी कुंडली में किसी भी तरह से मंगल दोष लगा है, कहने का मतलब है आपके जीवन में तरह तरह से कठिनाइयाँ आपके जीवन में समाहित होती जा रही हैं, रोग बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही, राहु केतु ने आपका जीना हराम कर रखा है, यानी किसी भी तरह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, दरिद्रता आपके जीवन में घर कर गई है, दरिद्रता आपकी का पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तब ऐसा क्या प्रयोग करें भोलेनाथ का कि आपकी कुंडली का वो दरिद्रता योग भंग हो जाए, आपके जीवन का वो दरिद्रता योग भंग हो जाए और आपकी भी गिनती धनवानों में होने लगे, आप भी अरबपति, करोड़पति और जो आप अपने लिए उपाधि सोच सकते हैं, जो जितनी आपकी कामनाएं सोच सकते हैं, सब पूरी हो जाए। तो आज मैं महादेव का एक विशेष आपको प्रयोग देने जा रही हूँ। अगर सावन में आप ये शुरू कर लेते हैं तो आपको सोने में सुहागे का काम करता है। वैसे आप ये किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जब हमारे पास विपत्ति पड़ रही होती है तब हमें ग्रह दशाएं नहीं देखनी चाहिए, उस समय तो हमें सिर्फ उपायों पर ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन में महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी जिससे कि आपकी पूरी की पूरी कुंडली संतुलित हो जाए, जो धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, आपका पंचमेश, आपका भाग्येश, आपका लाभेश, आपका धनेश, आपका लग्नेश सब कुछ पीड़ित है, सब कुछ में पावर आ जाए और सब कुछ आपको प्राप्त होने लगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशुदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला एक मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादू अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती है। इसकी विशेषता है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। चंद्रमा जैसे जैसे बलि होने लगता है आपका हर कार्य में मन लगता है, घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है, ग्रह जन्य पीड़ाएं भी आपकी शांत होने लगती हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे प्रतिदिन का वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हर दिन मैं आपको ऐसे ही प्रयोग देती हूँ जिन्हें आप अपने घर में रहकर आसानी से कर सकें। अगर आप सनातनी हैं, अगर आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है, आपको अपने धर्म पर विश्वास है, तब आप इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आपने कामना, यानी आपके मन में जो इच्छाएं। दोस्तों, कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, लेकिन कर्म तो करना होता है। हम खाली नंबर लिख लें, हम खाली चीज़ों को उठा उठा कर रखते जाएं, उनसे कुछ नहीं होगा जब तक कि उसकी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं करेंगे। जब तक उस चीज़ में हम ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। कहीं भी किसी चीज़ को आपने रख दिया, धूल मिट्टी खा रही है, क्या उसके अंदर एनर्जी रहेगी? नहीं रहेगी। दोस्तों, तो चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके जीवन में दरिद्रता योग लगा है, यानी नौकरी नहीं है, व्यापार करते हैं एक के बाद दूसरा दूसरा बदलते चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं, जो भी जमा पूंजी है सारी नष्ट होती जा रही है, घर में क्लेश बना रहता है, घर में एक बीमारी से उठता नहीं है दूसरा बीमार हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने किया कराया है आपके ऊपर, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, या आपके जीवन में आपका चंद्रमा कैमद्रुम योग में है, या काल सर्प दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, किसी भी तरह से आपकी कुंडली बाधित हो रही है,
लग्नेश आपके 12वें घर में चले गए हैं, अष्टम में चले गए, छठे भाव में चले गए, यानी संघर्ष कर करके आप परेशान हैं, लेकिन भाग्य आपका बिल्कुल सुप्त हो गया है, भाग्य साथ दे ही नहीं रहा है, हर तरह से आप परेशान हैं और आप थक गए हैं, हार गए हैं, अब आपको ईश्वर पर कोई विश्वास रह ही नहीं गया, अब आपको लगता है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे कुछ करना भी नहीं है, और आपको पूजा पाठ से मन उठ गया है, तब ये प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करके लाएगा कि बस आप देखते रह जाएंगे, फिर कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। क्या करना है इस प्रयोग में? ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार से शुरू करिए। आप किसी शिवालय जा सकते हैं तो बिल्कुल शिवालय में चले जाइए। एक लोटा जल सोमवार को, थोड़ी चीनी डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए, बेलपत्र ले लीजिए, एक की संख्या में, तीन की संख्या में, पाँच की संख्या में, धतूरा ले लीजिए, साथ में पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर एक माला बना लीजिए, या पीपल के पत्तों पर हर हर महादेव भी आप लिख सकते हैं, 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए। ये सारी सामग्री और साथ में एक शुद्ध जल का लोटा भी ले जाना है, थोड़ा सा आपको चावल भी ले जाना है। ये सारी सामग्री लेकर आप किसी भी शिवालय में चले जाइए। आप ये प्रयोग अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है तो घर पर भी आप ये कर सकते हैं। वहाँ पहुँचकर आपको शिवालय शिवलिंग पर आपको जो पहला जल का लोटा लेना है, ये जल आपको पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को, फिर माता पार्वती को, और उसके बाद आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, थोड़ा सा शिवलिंग पर। उससे पहले भी आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, और फिर अपनी कामना, क्या चाहते हैं करने के लिए जो आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको नमः शिवाय का जाप करते हुए पहले थोड़ा सा सादा जल अर्पित करेंगे, उसके बाद जो लोटा ले गए हैं जल का इसे अर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर सादा जल अर्पित कर देंगे, थोड़ा सा चावल चढ़ा देंगे, अब जो बेलपत्र ले गए हैं वो बेलपत्र अर्पित कर देंगे, उसके बाद जो धतूरा है धतूरा रखेंगे, और उसके बाद जो 11 आपने पीपल के पत्ते ले गए हैं इन्हें आप कलावे में बांध दीजिएगा और कलावे की माला सी बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। भोलेनाथ से बार बार आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इन कष्टों से निकाल दें और किसी भी तरह से आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उन सबसे आपको मुक्ति प्रदान करें। आते समय आपको दोस्तों इसमें से एक बेलपत्र और एक धतूरा आपको उठाकर घर ले आना है। अब घर में बैठकर जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का आपको सोमवार से ही शुरू करना है। आप रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करें। आप ये मंत्र सुबह भी जाप कर सकते हैं और ये मंत्र आप रात के समय भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको साधक, आप चाहते हो कि किसी भी तरह से आपके जीवन में जो कष्ट हैं ये आपके समाप्त हो जाए, तो ये रामबाण उपाय आपके लिए काम करेगा। ये जो बेलपत्र है इस पर आपको चमेली का तेल लगाना है और इसको एक प्लेट में रख लेना है। जब हल्का सा ये सूख जाए इसको एक पॉलीथिन में डालेंगे और अपने पर्स में रख लेंगे। जो धतूरा है इसे आपको लाल कपड़े में बांधना है और अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, मुख्य द्वार के ऊपर आपको कील से टांग देना है। या आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, वैसे तो आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, विशेष रूप से सोमवार को करेंगे, सावन के सोमवार में, तो इसका लाभ आपको जल्दी मिलेगा। अब जो मैं मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का नियमित आपको एक माला जाप करना है, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। आप भोलेनाथ के समक्ष बैठ सकते हैं, आप कहीं भी शुद्ध स्थान पर बैठ सकते हैं, और सोमवार को ये विधि आप करते रहिए। जैसे दूध, जल और ये जो मैंने बताया है, ये आप हर सोमवार घर में शिवलिंग घर पर भी कर सकते हैं, और जो कटोरे में जल आ गया इसे आप किसी भी पेड़ पौधे में लगा सकते हैं। ओम दारिद्र दुख दहनाहे नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाहे नमः शिवाय। बस ये इतना छोटा सा ही मंत्र है, लगातार आपको बिना रुके 108 दिन लगातार करना है। मैं तो कहती हूँ जीवन भर करिए, अगर आप चाहते हो कि भोलेनाथ की कृपा ऐसी बरसती रहे, क्योंकि भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, तुरंत भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, लड़के लड़की हर कोई कर सकता है। महिलाएं पीरियड की अवस्था में 5 से 7 दिन इस प्रयोग को नहीं करेंगी, उस दिन उन दिनों में आपको इसको अवॉइड करना, उसके बाद अगेन फिर से शुरू कर लेना। आप इसको अगर उत्तर की तरफ आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुंह करके इसका जाप करते हैं तो इसका लाभ आपको और जल्दी मिलने लगता है। सोमवार को आप थोड़ा सा दूध, चाहे वो आपकी पॉकेट में एक गिलास दूध ही है, उसको अगर किसी भूखे को पिला देते हैं तो ये आपके लिए और अधिक काम करता है। इस प्रयोग को अपनाइए और मुझे बताइए कि आपको इससे कितना लाभ मिला। देखेंगे आप कि आपके 3 सोमवार होते होते चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में
चीज़ें सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगी, लाभ दिखने लगेगा आपको, जीवन में एक प्रसन्नता आने लगेगी, आपके अंदर एक ओझ बढ़ने लगेगा, आप खुश रहने लगेंगे, आपको अब रास्ते नज़र आने लगेंगे जो निगेटिव, जिसे सोच सोच कर आप परेशान हैं, अब आप देख रहे हैं कि अब वो विचार ही नहीं आ रहे आपके अंदर, वो विचार जैसे छूबंतर हो गए हैं, अब आप कुछ अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा सुन पा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, यानी कि ईश्वरीय मदद मनुष्यों के रूप में आपको प्राप्त होने लगी है, भोलेनाथ की साक्षात कृपा आपको मिलने लगी है। अब जिनका बर्थडे है, मेरे जन एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 5 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रे करेंगे, व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, ये अंक आपको वर्षवर सुखता प्रदान करेगा, अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हरे हर महादेव लिखना बिल्कुल ना। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा सर। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर, तब तक के लिए हर हर महादेव।